दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई में एशिया कप का मैच हो रहा है, जिसमें कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच पहला T20 मैच खेला गया, जिसमें कि भारत ने पाकिस्तान को शानदार 5 विकेट से हरा दिया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस मैच में किस प्लेयर्स का कैसा प्रदर्शन रहा। तो करना दोस्तों, आज भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। उनका यह फैसला आज बहुत ही अच्छा रहा और पाकिस्तान की टीम ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई। पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए। बाबर आजम मात्र 10 रन बनाकर के 9 बॉल में 2 चौकों की मदद से, जब उनकी टीम का 15 रन स्कोर था तो वो आउट हो गए। भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवाया। दोस्तों पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद के सिवा कोई भी बैट्समैन पिच पे टिक कर नहीं खेल पाया और वो एक ही बात कहते जा रहे थे कि तू चल मैं आया। और इस प्रकार पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 147 रन बनाकर आउट हो गई, वो 20 ओवर पूरा खेल भी नहीं पाई। दोस्तों पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने 43 रन बनाए 42 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से। दोस्तों वहीं पे बाबर आजम ने 10 रन बनाए 9 गेंदों में 2 चौकों की मदद से। फकर जमान ने 10 रन बनाए 6 गेंदों में 2 चौकों की मदद से। इफ्तिकार अहमद ने शानदार 28 रन बनाए 22 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के ओर से कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया और वो जल्दी जल्दी आउट होते गए। दोस्तों पाकिस्तान का पहला विकेट 15 रन पे गिरा, दूसरा 42 पे, तीसरा 87 रन पे, चौथा 96 रन पे, पांचवा 97 रन पे और छठा 112 रन पे। इस प्रकार पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 147 रन बनाकर आउट हो गई, वो 20 ओवर खेल भी नहीं पाई। दोस्तों भारत की ओर से आज भुवनेश्वर कुमार ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा पेश किया। उन्होंने 4 विकेट लिए 26 रन दे करके। वहीं पर दोस्तों अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट और हार्दिक पांड्या ने शानदार 3 विकेट लिए। आवेश खान को 1 विकेट मिला। आज भारत की ओर से शानदार बॉलिंग रही, जो कि किसी भी पाकिस्तान के बल्लेबाज को टिककर खेलने नहीं दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों जब भारत की पारी स्टार्ट हुई तो भारत का सलामी बल्लेबाज केएल राहुल भी, जब भारत का स्कोर मात्र 1 रन था, उसमें केएल और राहुल भी आउट हो गए। दोस्तों उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की और वो पिच पे टिके रहे। उसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा आउट हुए जब भारत का स्कोर 50 रन था और दोस्तों उसके बाद विराट कोहली भी आउट हो गए जब भारत का स्कोर मात्र 53 रन था। उसके बाद दोस्तों सूर्यकुमार यादव और रविंद्र जडेजा ने काफी अच्छी साझेदारी की, लेकिन उसके बाद दोस्तों सूर्यकुमार यादव भी आउट हो गए जब भारत का स्कोर 89 रन था। उसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या ने मैच जिताऊ पारी खेला और उन्होंने शानदार छक्के से भारत को मैच जिताया। दोस्तों भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 18 बॉल में 12 रन बनाए 1 छक्के की मदद से। वहीं पर केएल राहुल आज खाता भी नहीं खोल पाए। विराट कोहली ने शानदार 35 रन बनाए 34 गेंद में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने आज बहुत ही शानदार बैटिंग करी और उन्होंने शानदार 35 रन बनाए 29 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से। सूर्य कुमार यादव ने 18 रन बनाए 18 बॉल में 1 चौके की मदद से। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने आज बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। उन्होंने शानदार 33 रन बनाए मात्र 17 गेंदों में, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से, जो छक्का उन्होंने लगाकर भारत को मैच जिताया। दोस्तों पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह को 2 विकेट प्राप्त हुए, वहीं पे स्पिनर मोहम्मद नवाज को 3 विकेट प्राप्त हुए आज। बाकी बॉलर्स अपना खाता नहीं खोल पाए। दोस्तों भारत का पहला विकेट 1 रन पे गिरा, दूसरा 50 पे, तीसरा 53 रन पे, चौथा 89 रन पे और पांचवा गिरा 141 रन पे। दोस्तों इस प्रकार भारत ने एशिया कप के अपने पहले मुकाबले में, जो कि पाकिस्तान से था, उसे पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एशिया कप के पहले T20 मैच, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया।